हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ओडिशा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओडिशा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन nth डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए mth डिग्री पॉलिनोमियल देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वेश्चेंट इज। तो देखिए, इसने कहा है कि अगर एक nth डिग्री पॉलिनोमियल को हम mth डिग्री पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा तो उसका जो पॉसिबल डिग्री क्या होगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं एक जो nth डिग्री पॉलिनोमियल है a टू द पावर n, ठीक है, और इसमें हम डिवाइड करेंगे किसको, mth डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसको मान लेते हैं a टू द पावर m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस m, ठीक है दोस्तों, n माइनस m। तो देखिए, ऑप्शन में n माइनस m, ऑप्शन डी में है n माइनस m, तो ये वाला जो आंसर ये है करेक्ट, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू देन द वैल्यू ऑफ वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसको हम पहले फैक्टर करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, यहाँ से हम x को कॉमन ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू, फिर यहाँ पर माइनस वन का कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर रह जाएगा x प्लस टू। फिर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस टू कॉमन आ जाएगा x प्लस टू, और यहाँ रह जाएगा x माइनस वन। तो देखिए, यहाँ अगर हम इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पर इसको अगर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। तो अल्फा हो गया माइनस टू और बीटा हो गया जो प्लस वन। तो अभी हम निकालेंगे क्या, वन बाई अल्फ़ा माइनस वन बाई बीटा, तो वन बाई अल्फ़ा हमारा हो गया माइनस टू माइनस वन बाई वन, ठीक है। फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, माइनस थ्री बाई टू कहाँ पर है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अल्फ़ा लिया माइनस टू को और बीटा लिया माइनस जो प्लस वन को, अगर इसको हम बीटा लेंगे और इसको अल्फा लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू, ठीक है। तो इसलिए दिया है थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस के वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए, जब भी हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो अगर उसका जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन होता है जब ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है। ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा तो इसका जो सॉल्यूशन है ये यूनिक होगा। तो देखिए, ए वन हमारा यहाँ पर है के डिवाइडेड बाई ए टू का है, ए टू जो है ए वन है इक्वल टू बी वन कितना है वन, और बी टू है यहाँ पर के, ठीक है। तो k बाई वन इक्वल टू वन बाई के, तो ये नॉट इक्वल होगा। तो देखिए, हम अभी ऑप्शन से जो वैल्यू दिया है k का यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए, माइनस वन अगर हम पुट करेंगे तो माइनस वन यहाँ पर भी माइनस वन होगा और यहाँ पर भी माइनस वन हो जाएगा, तो ये इक्वल हो रहा है तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर देखिए, ऑप्शन जो बी k इक्वल टू वन, k अगर हम यहाँ पर भी वन रखेंगे और यहाँ पर भी वन रखेंगे तो ये भी वन हो जाएगा और यहाँ पर भी वन हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर टू रखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है टू बाई वन, ठीक है, टू बाई वन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन बाई टू, तो ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया टू और ये हो गया वन बाई टू, ये इक्वल नहीं है। तो ये जो है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नो सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर हमें तीन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, एक है कंसिस्टेंट इक्वेशन और एक इनकंसिस्टेंट और एक है डिपेंडेंट इक्वेशन। तो देखिए, जो कंसिस्टेंट होते हैं इनमें होते हैं क्या, इनमें वन सॉल्यूशन, ठीक है, जो कंसिस्टेंट होते हैं इनमें वन सॉल्यूशन होता है, और जो इनकंसिस्टेंट होते हैं इनमें नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, और जो डिपेंडेंट इक्वेशन में ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है इसमें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसने पूछा है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, जो ए सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन
इसका जो सोल्यूशन है ये 9 सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ सी फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एंड सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो विल हैव इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस। तो देखिए, इन्फाइनेट सोल्यूशन कब होंगे, जब ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू है, हम टू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अभी हम ए वन बाई ए टू कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा सी बाई सिक्स इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो बी वन यहाँ पर है माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए इक्वल टू, अभी जो सी वन बाई सी टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस जो प्लस वन बाई टू। तो देखिए यहाँ पर भी वन बाई टू है, यहाँ पर भी वन बाई टू है, तो सी के बदले हम क्या लेंगे जो कि वन बाई टू होगा, तो देखिए यहाँ पर हम सी के बदले थ्री अगर लेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी एंगल इक्वल टू 2x plus 4 degree, q equal to y plus 3 degree, r equal to 2y plus 10 degree and s equal to 4x minus 5 degree। तो अभी हमें क्या करना है, p q r s का जो एंगल वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो p q r s है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनमें क्या होता है, मान लीजिए ये है p q r s, ठीक है। तो अभी जो p plus r ये होगा 180 degree, ठीक है, P प्लस आर ये होगा 180 डिग्री, इस तरह Q प्लस एस ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, Q प्लस एस जो है ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, P और R को ऐड करेंगे, तो P है 2x प्लस 4 और R है 2x प्लस 10, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 180, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 83, ठीक है दोस्तों, 83 डिग्री हो जाएगा x प्लस वाई। फिर देखिए अभी हम q प्लस एस ये भी हो जाएगा कितना 180 डिग्री, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री, ठीक है, 4x प्लस वाई हो जाएगा 182 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन टू है और ये है इक्वेशन वन, तो इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 83। तो इस तरह अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x आ जाएगा हमारा 33, ठीक है, x हमारा आ जाएगा कितना 33। तो अभी हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा 50, ठीक है, ठीक है, तो y आ जाएगा 50, तो x आ गया 33 और y जो y का वैल्यू हो गया 50। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम p का p जो p एंगल है ये कितना हो जाएगा 33, जो x है 33, तो 2 इंटू 33 हो जाएगा कितना 66 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 70। तो p का जो वैल्यू है ये है 70। और देखिए q q जो है y प्लस 3, तो y है 50, तो ये हो जाएगा 53। फिर देखिए r, r कितना हो जाएगा 2y प्लस 10, तो 2y जो 2y है कितना, y है 50, तो 2y हो जाएगा 100 और प्लस 10, तो 110 हो जाएगा। फिर देखिए s, s कितना हो जाएगा, s है 4x माइनस 5, तो 4x, तो x का वैल्यू है 33, तो 4x माइनस 5 ये आ जाएगा कितना 127 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देखिए हमें यहाँ पर तीन कंडीशन दिया है, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉलर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए जब इक्वल टू जीरो होगा तो इसके जो रूट होंगे ये इक्वल रूट होंगे, ठीक है, इक्वल रूट। फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब ग्रेटर देन जीरो होंगे तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू। और जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नो रियल वैल्यू, ठीक है, नो रियल वैल्यू। तो इसने पूछा है डिस्टिंक्ट, तो ऑप्शन बी जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। और ये जो देखिए जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। देन देखिए द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज वन एंड द इलेवेंथ टर्म इज माइनस सेवेंटीन, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस सेवेंटी सेवन। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि एंथ टर्म जो होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जो एंथ टर्म होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसने कहा है कि जो फिफ्थ टर्म है ये है कितना वन, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस फोर डी इक्वल टू वन। फिर इसने कहा है कि जो इलेवेंथ टर्म है ये है माइनस सेवेंटीन, तो इलेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस टेन डी इक्वल टू माइनस सेवेंटीन, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ से हम डी का वैल्यू जो है ये हमें मिलेगा माइनस थ्री, ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा माइनस थ्री। फिर देखिए इसको अगर हम यहाँ पर जो डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए का वैल्यू मिल जाएगा कितना थर्टीन, ठीक है, थर्टीन मिल जाएगा हमें ए का वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो यहाँ पर हमें दिया है जो व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस सेवेंटी सेवन, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ए प्लस मान लेते हैं कि एंथ टर्म जो है माइनस जो माइनस सेवेंटी सेवन है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हो जाएगा माइनस सेवेंटी सेवन, ठीक है। तो ए का वैल्यू है कितना थर्टीन प्लस एन माइनस वन को वैसे ही रहने देंगे। फिर देखिए डी का वैल्यू हमें मिला था माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस सेवेंटी सेवन। फिर देखिए एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा माइनस जो ये यहाँ पर जो थर्टीन था यहाँ पर माइनस थर्टीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस नाइन्टी डिवाइडेड बाय माइनस थ्री, ठीक है, तो ये हो गया थर्टी। और यहाँ पर जो माइनस वन यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो गया थर्टी वन। तो थर्टी फर्स्ट टर्म जो है ये वाला है, थर्टी फर्स्ट टर्म जो है ये कितना होगा माइनस सेवेंटी सेवन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, तो इनमें से कौन सा जो एपी में है, तो एपी में क्या होता है एक जो है पर्टिकुलर नंबर के बाद ये एक जो जो यहाँ पर जो डी होता है जो कॉमन डिफरेंस ये जो इंक्रीज होके जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये है टू, तो टू प्लस टू हो जाएगा फोर, फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स, सिक्स प्लस टू हो जाएगा एट, एट प्लस टू हो जाएगा टेन। तो ऐसे ही ये जो सेम सेम ये इंक्रीज होता है, तो इसको कहते हैं एपी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर है टू ए माइनस बी, फिर टू ए, फिर ए प्लस बी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो ए माइनस बी था फर्स्ट टर्म, इसने क्या किया जो बी को ऐड कर दिया, तो ए माइनस बी था पहले, फिर इसमें जो हम बी को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो ए हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म इसमें एम जो बी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, तो ये जो है ये एक एपी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो राइट आंसर, ये एक एपी है, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एंथ टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो देखिए इसने पूछा है कि यहाँ पर हमें दो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं, एक है 63, 65, 67 और एक है 3, 10, 17। तो देखिए दो सीरीज में हमें जो फर्स्ट सीरीज दिया है जिसमें दिया है 63, 65 एंड 67, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है ये है 63 और डी जो है जो कि डिफरेंस है ये है 2। और जो सेकेंड सीरीज दिया है जो कि है 3, 10 एंड 17, ठीक है, तो इसमें ए जो है 3 और डी है क्या 7, ठीक है, तो इससे ये सब हमें पता चलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए तो इसने कहा है कि कौन से टर्म में जो इसका जो वैल्यू है इक्वल होगा, तो देखिए जो ऑप्शन में है 11, 12, 13 या फिर 14,
तो देखिए इन्हीं चार में से कोई एक में जो वैल्यू है ये इसमें भी जो होगा सेकेंड जो सीरीज में इसमें भी वही होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 वाला निकाल लेंगे, ठीक है, फिर 12, 13, 14 देखेंगे कि कौन सा जो है सेम है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सीरीज का 11 टर्म जो निकाल लेंगे। तो देखिए किस कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस 11 टर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 63, जो फर्स्ट टर्म है 63 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो एन माइनस वन जो 10 इंटू डी यहाँ पर है कितना 2, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा कितना 83। तो 11th टर्म जो है ये 83, फिर 12 वाला हो जाएगा, देखिए 11th जो टर्म है 83, ठीक है, तो 11th है 83, तो इसके बाद हो जाएगा 85, 87 एंड 89। फिर देखिए नेक्स्ट जो टर्म जो सीरीज है जो कि 3, 10 और 17, इसका भी हम 11th टर्म निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस 10d, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए है 3, 3 प्लस 10d मतलब 70, ठीक है 70, तो 10 इंटू 7 जो डिफरेंस यहाँ पर है 7, तो 70 ये हो जाएगा कितना 73। तो 73 जो है ये 11th टर्म है, तो 12 कितना हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, फिर 87, फिर हो जाएगा जो 94। तो देखिए यहाँ पर जो है 87 वाला टर्म यहाँ पर भी 87 है और यहाँ पर भी 87 है, तो ये कौन सा टर्म है, ये 11, 12, 13, ठीक है, तो 13 में यहाँ पर 87 है और यहाँ पर भी 13 में 87 है, तो 13th नंबर टर्म जो है ये दोनों में इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन देखिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 66, देन द कॉमन डिफरेंस इज। तो देखिए यहाँ पर हमें जो सम दिया है, तो सम दिया है मतलब एस एन का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो देखिए एल जो है, एल यहाँ पर हो जाएगा जो nth टर्म है माइनस, ठीक है, -11 जो है यह nth टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा एल। तो देखिए n/2, ठीक है दोस्तों, तो एस एन जो है n/2 इंटू में, तो ए का जो ए है 22 -11 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू है कितना 66। तो यहाँ से एन का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना 12, ठीक है, तो एन हो जाएगा कितना 12। फिर देखिए हमें चाहिए जो डी हमें चाहिए, तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम, तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा कितना -11 जो कि nth टर्म है। फिर देखिए ए हमें पता है 22 प्लस एन हमें मिल गया 12 -1 इंटू डी मिल गया, तो डी हमें जो जो फाइंड करना है उसके बाद है -11। तो देखिए यहाँ पर जो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11 -22 डिवाइडेड बाय जो 11, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा -3। देन देखिए स्टील ओयर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, तो देखिए एक स्टील ओयर है जो कि एक स्क्वायर में स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है एक स्क्वायर है। फिर देखिए इसने कहा है कि द सेम ओयर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फिर हमने क्या किया, इसी स्क्वायर को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से इन चार में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने, तो हमें अभी यहाँ से जो पता चलता है क्या, कि जो ओयर है ये सेम ओयर है, यहाँ पर जो ओयर था यहाँ पर भी वही ओयर है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पेरीमीटर है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर और जो सर्कल का पेरीमीटर, ये दोनों इक्वल हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा कितना 4a और ये इसका जो सर्कल का हो जाएगा 2πr, ठीक है 4a और 2πr, तो अभी देखिए 4a इक्वल टू 2πr, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2a इक्वल टू पाई आर, तो a/r, ठीक है a/r ये कितना होता है, देखिए तो जो पाए है 22/7, तो 22/7 और यहाँ पर जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 14, तो 11/7, तो ए हो गया 11 और आर हो गया 7, ठीक है दोस्तों, ए हो गया 11 और आर हो गया हमारा 7। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एरिया निकाल लेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता चल गया कि जो स्क्वायर का जो साइड है ये है 11, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। फिर देखिए सर्कल, सर्कल का जो हमें मिल गया जो इसका रेडियस है ये है 7, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है
पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमें पता है 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्क्वायर का एरिया है इज स्मॉलर देन जो सर्कल का एरिया। तो देखिए यहाँ पर है एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, ये गलत हो गया। फिर देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इज लेस देन द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ये लेस है और एरिया ऑफ सर्कल जो है ये बड़ा है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए स्टील वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टील वायर है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में है और इसका जो रेडियस है आर ये कितना है 28 सेंटीमीटर। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, फिर हमने क्या किया इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे एक स्क्वायर कर लिया। फिर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, तो अभी हमें ए का जो जो साइड है जो स्क्वायर का साइड ए कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आर हमें पता है कि 28, तो देखिए इसमें हमें ये पता चलता है कि जो पेरीमीटर इन दोनों का ये सेम है, क्योंकि जो वायर का लेंथ है वही पेरीमीटर है, यहाँ पर भी पेरीमीटर वही है और यहाँ पर भी पेरीमीटर वही है, तो इसका जो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2πr और ये हो जाएगा 4a, और हमें r का वैल्यू जो पता है r कितना है 28, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है 28 इक्वल टू 4a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये 7 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 है ये 4 और 4 यहाँ पर कट गए, तो ये हो जाएगा कितना 44 इक्वल टू a। ठीक है, तो a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा कितना 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर देखिए द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, तो इसने पूछा है कि जो सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना होगा अगर इसका रेडियस r है। तो देखिए जो सर्कल होता है, जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये क्या होता है 2πr। ठीक है, 2πr, तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो एक सेमी सर्कल हो जाएगा, इसका हाफ तो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr क्योंकि 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये ऊपर का ये हो जाएगा कितना πr। फिर देखिए पेरीमीटर हम किसका निकालेंगे सेमी सर्कल का, तो फिर इसमें जो पाई आर में ये जो यहाँ पर जो जो इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है, ये रेडियस वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो पाई आर प्लस आर प्लस आर। ठीक है, तो आप पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आर्क ऑफ ए सर्कल मैक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि एक सर्कल है और यहाँ पर एक आर्क है जो कि सेंटर में एक एंगल बना रहा है जो कि लेस देन 180 डिग्री है और यह है थीटा। ठीक है, तो अभी इसने कहा है कि जो एल है यहाँ पर जो सर्कल जो यहाँ पर जो आर्क का लेंथ ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो L है ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।